आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। ईडी ने पूजा के करीबियों के रांची में 6 जगहों और मुजफ्फरपुर में छापे मारे। रांची में पूजा के करीबी के बेटे विशाल चौधरी के घर काफी कैश मिला है। ईडी ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनें मंगाई। पूजा सिंघल के करीबी त्रिवेणी चौधरी के बेटे विशाल चौधरी का झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेज है। अशोकनगर गेट नंबर 6 स्थित घर पर विशाल की मां थी। वह ईडी की कार्रवाई का विरोध करने लगी और अफसरों के समझाने पर वे शांत हुई। इधर ईडी की एक टीम मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने पहुंची। यहां राहुल नगर रोड नंबर 15 में त्रिवेणी चौधरी का घर है। यहां स्थानीय पुलिस के साथ टीम घर में अंदर जांच कर रही है। कागजात खंगाले जा रहे हैं। अंदर की तस्वीरों से लग रहा है कि कागज का मोटा बंडल है, जिसे एक एक कर ईडी के अधिकारी जाँच कर रहे हैं। हालांकि रेट के संबंध में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। ईडी के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों ने भी चुप्पी साध ली है। पूजा सिंघल के बाद अब ईडी की जांच की आज अब सीएम हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव अरुण एक्का के करीबियों तक पहुंच गई। मंगलवार की सुबह ईडी बिहार झारखंड के अलग अलग 7 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें एक नाम आईएएस राजीव अरुण एक्का के करीबी निशेत केसरी का है। ये राजीव अरुण एक्का के बेहद करीबी माने जाते हैं। पेशे से बिल्डर है और निशित केसरी ने हाल ही के दिनों में हरमू अशोकनगर कटहल मोड़ रोड में कई बड़े अपार्टमेंट का निर्माण किया है। त्रिवेणी चौधरी कौशल विकास विभाग में सीनियर अफसर हैं। इन्हें सत्ता और पूजा का करीबी बताया जाता है। बताया जा रहा है कि विशाल चौधरी के ठिकाने से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। ईडी ने नकदी गिनने के लिए बैंक नोट गिनने की मशीन मंगवाई। सूत्रों की माने तो यह मामला अवैध माइनिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें विशाल चौधरी भी आरोपी हैं। त्रिवेणी चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि वे विशाल चौधरी के पिता हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर उनके घर पर भी रेड चल रही है। घर के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर किसी भी बाहरी या मीडिया कर्मी को जाने की मनाही है। परिसर में पुलिस फोर्स की तैनाती है। वे भी कुछ बोलने से परहेज कर रही हैं। ईडी के अधिकारियों ने फोटो स्टेट करने वाले कागज का बंडल बाहर से मंगवाया। 2 व्यक्ति इसे लेकर पहुंचे। बाहर से ही इसे जवानों को दिया गया है। जवानों ने इस बंडल को अंदर पहुंचा दिया। कहा जा रहा है कि इस कागज का फोटो स्टेट करने में इस्तेमाल किया जाएगा। चर्चा है कि टीम जेरोक्स मशीन भी लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।